इसमें यह बताया गया है कि जब एक वेव प्रोपगेट करती है तो रास्ते में जो पार्टिकल्स आते हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, जब वो ऊपर नीचे मूव करते हैं तो उनकी कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है किसी भी इंस्टेंट पर जो चेंज होती है, जैसे वेव आगे प्रोपगेट कर गई, पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो मूव करता है, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की हमने की थी वेव इक्वेशन, तो उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये वेलोसिटी आएगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन आएगी। और कमाल की बात है ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके आंसर एसएचएम वाले ही आएंगे, क्योंकि हम कौन सी वेव स्टडी करते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव में जो पार्टिकल मूव करता है एसएचएम में मूव करता है, तो इसलिए आंसर विल रिमेन सेम जो एसएचएम में आया था, तो जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है यहां तक।